हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रोमानिंग्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में हुआ सर्वाइवल सीरीज मैच के बारे में, जो कि एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच था। कैसा था ये मैच, अच्छा था या फिर बुरा था, इसके बारे में आज की इस वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैच के शुरुआत से रोमानिंग्स ड्रू मैकइंटायर के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। रोमानिंग्स ड्रू मैकइंटायर को स्टील स्टेप में मार देते हैं मैच के शुरुआत में ही, और मैच के बीच में बहुत सारा हेडलॉक देखने को मिला था रोमानिंग्स का तरफ से, जो कि मैच का पेस बहुत स्लो कर दिया था। बट कोई नहीं, सहलेंगे थोड़ा। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर फाइट बैक करते हैं और रोमन को क्लेमोर किक मारने की तैयारी में थे, लेकिन ही वॉज फेल्ड क्योंकि रोमानिंग्स उसे दे देते हैं समान ड्रॉप। और इसके बाद दोनों सुपरस्टार रिंग में बहुत देर तक गिरे रहे, और इसके कुछ देर बाद ड्रू मैकइंटायर रोमन को दे देते हैं DDT। और इसके बाद जब ड्रू मैकइंटायर रोमन को क्लेमोर किक मारने वाले थे, लेकिन उसी वक्त रोमानिंग्स ड्रू मैकइंटायर को दिया था स्पियर, एंड इट वॉज अनबिलीवेबल स्पियर। और उसके बाद अनाउंस टेबल के ऊपर दे दिया समान ड्रॉप ड्रू मैकइंटायर को, और उसके बाद और एक डिस्ट्रक्टिव स्पियर बैरिकेड तोड़कर, और ये स्पियर देखने में बहुत ही खतरनाक लगा था, और ये रोमानिंग्स का वन ऑफ द बेस्ट स्पियर में से एक होगा। और उसके बाद जब ड्रू मैकइंटायर रिंग पे आए, तब रोमानिंग्स उसे और एक स्पियर मार दिया, लेकिन ड्रू मैकइंटायर किक आउट किए। और ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकइंटायर हारने के मूड में नहीं थे, क्योंकि तीन स्पियर लगाया, लेकिन तभी भी किक आउट कर रहे थे ड्रू मैकइंटायर। लेकिन गाइस, जब ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकइंटायर मैच में जीत जाएंगे, तब एंट्री होता है जे यूसो का, और जे यूसो के डिस्ट्रैक्शन की वजह से रोमानिंग्स ड्रू मैकइंटायर को सबमिशन देने में कामयाब रहे और ये मैच जीत गए। और पूरे मैच में रोमानिंग्स ड्रू मैकइंटायर के ऊपर भारी पड़ रहे थे। आपको कैसा लगे ये मैच, प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो अगले वीडियो पर।